शुरुआत होती है मूवी की एडम से, जो बेहोशी के बाद उठने में खुद को बॉटम में देखता है। खुद को इस जगह पर देखकर वह परेशान हो जाता है और जल्दी से उठता है। उठने की वजह से उसके पाँव से बाथटब का प्लग निकल जाता है और पानी के साथ एक नीले रंग का लिक्विड भी बह जाता है। आगे देखेंगे कि वो लिक्विड क्या होता है। लाइट्स ऑन होती है तो इससे मालूम चलता है कि इसके साथ डॉक्टर लॉरेंस भी थे और दोनों किसी पुराने मैले बाथरूम में किसी जंजीरों से बंधे थे और दोनों के सामने खून भरी लाश पड़ी है, जिसके एक हाथ में रिकॉर्डर और दूसरे हाथ में टेप होता है। दोनों को कुछ याद नहीं होता कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। बाद में दोनों को एक एक कैसेट मिलता है और इन्हें इसके अलावा एक छोटी बुलेट और चाबी भी मिलती है। इससे दोनों अपनी चैन की लॉक खोलने की कोशिश करते हैं मगर वो नाकाम हो जाते हैं। वो किसी और चीज की चाबी होती है। एडम डॉक्टर लॉरेंस की मदद से इस टेप को लाश के पास से उठा लेता है और दोनों एक दूसरे की कैसेट सुनने लगते हैं। कैसेट में इन्हें किसी आदमी की डिस्टॉर्टेड वॉइस सुनाई देती है, जो एडम को बताता है कि इसने काफी लोगों की लाइफ बर्बाद किया है इन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड करके, और आज वो इसे एक मौका देता है अपनी लाइफ को सुधारने का। या तो वो भूख प्यास की वजह से मर सकता है या हिम्मत करके यहाँ से निकल सकता है। वही सेम वॉइस डॉक्टर लॉरेंस को भी बताता है कि इसने अपनी लाइफ की अहमियत को कभी नहीं समझा। सालों से उसने अपने पेशेंट को डॉक्टर होने की वजह से मरने की खबर दी और कैसा होगा अगर वो खुद मरने की हालत में होगा। अगर वो अपनी बीवी और बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो उसे एडम को 6 बजने से पहले मारना होगा। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए रूम में हर तरफ क्लू छुपे हुए थे और इसे वो ढूंढना था। डॉक्टर लॉरेंस क्लू को समझने के लिए कैसेट को फिर से चलाता है, जहाँ इसे सुनाई देता है फॉलो योर हार्ट, जो कि दूसरा क्लू होता है। इस क्लू के मुताबिक इसके हार्ट का निशान टॉयलेट के टैंक पर नजर आता है। एडम को इस टॉयलेट टैंक में से एक लोहे को काटने वाली दो आरिया और डॉक्टर लॉरेंस से खींचे हुए फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं और वो इन फोटोग्राफ्स के बारे में डॉक्टर को नहीं बताता। दोनों आरी की मदद से अपनी अपनी जंजीर को काटने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं कटता। गुस्से में एडम इस आरी को फेंक देता है, इससे इसकी आरी और नजदीक वाली दीवार का शीशा टूट जाता है। वहाँ डॉक्टर लॉरेंस भी कोशिश करता है जंजीरों को काटने की मगर वह नहीं काट पाता। इन्हें समझ आता है कि ये आरी जंजीरों को काटने के लिए नहीं बल्कि इनके पैरों को काटने के लिए है। ये एक इम्तिहान है इनके लिए कि क्या वो खुद के पैरों की कुर्बानी दे सकते हैं। इस तरह के हालात देखने के बाद इन्हें याद आता है कि इन्हें कैदी बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि जिक्सो है, जिसने इन्हें एक मर्डर में फंसाने की कोशिश की थी। कुछ माह पहले जब हम देखते हैं कि मूवी फ्लैशबैक में जाती है, डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि जिक्सो उन लोगों को शिकार बनाता है जिनको अपनी लाइफ की अहमियत नहीं होती, जो दूसरों की लाइफ के साथ खेलते हैं। इनके हिसाब से जिक्सो एक कातिल नहीं है, वो अपने शिकार को अपने हाथों से नहीं मारता बल्कि वो अपने शिकार को एक गेम करके फिजिकल साइकोलॉजिकल टॉर्चर करता है, जहाँ शिकार सर्वाइव कर ले तो उन्हें अपनी लाइफ की अहमियत समझ आ जाती है। जिक्सो को इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन डेविड टेल कर रहे थे और मार्क के मर्डर से इनको एक पेन मिलता है जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, जिससे इनका शक डॉक्टर लॉरेंस पर जाता है और इसलिए डॉक्टर से पूछताछ की जाती है। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ थे जब मार्क का मर्डर हुआ था। वो इस वक्त अपने हॉस्पिटल से एक इंटर्न को मिलने गए थे। वो ये बात नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उस औरत से उनके रिलेशन थे और वो नहीं चाहते थे कि इसकी वाइफ को पता चले, और इसे यह बात बतानी पड़ती है ताकि वो अरेस्ट से बच जाए। वही जिक्सो की एक और शिकार अमांडा को बुलाया जाता है अपने किडनैपर को पहचानने के लिए कि जिक्सो डॉक्टर खुद तो नहीं, मगर अमांडा पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि इसने कभी जिक्सो का असली रूप को नहीं देखा। अमांडा हेरोइन का नशा करती है और लाख कोशिश के बावजूद नशा नहीं छोड़ पाती, इसलिए जिक्सो इसे भी अपना शिकार बना लेता है। वो सिर्फ पहली औरत होती है जो जिक्सो के इम्तिहान में पास हो जाती है। मौत को इतने करीब से देखने के बाद कि जिक्सो ने इसकी मदद की है, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए वो ड्रग्स छोड़ देती है और इसलिए इसके दिल में जिक्सो के लिए हमदर्दी आ जाती है। मूवी की कहानी फिर से एडम और डॉक्टर की तरफ जाती है, जहाँ इन्हें समझ आता है, इन्हें लगता है कि इस दीवार के ऊपर लगे हुए ग्लास के पीछे से इनको कोई देख रहा है। कुछ देर बाद बातों बातों में डॉक्टर लॉरेंस वॉलेट में रखे हुए फैमिली फोटो को निकालते हैं और एडम को दिखाते हैं। एडम को डॉक्टर लॉरेंस के वॉलेट से इसकी फैमिली का किडनैप फोटो भी मिलता है। वो इसे छुपा लेता है ताकि इसे सदमा ना लगे। इसके अलावा एडम को उसी फोटो के पीछे हिंट भी मिलता है, जिसकी मदद से एडम क्लू के एक्स को ढूंढ लेता है। एक्स के मार्क से इन्हें एक रेड कलर का छोटा सा बॉक्स भी मिलता है, जिसमें एक सीक्रेट लाइटर और एक फोन के अलावा डॉक्टर के लिए एक नोट
कोट भी होता है, जिसे वो समझता है कि सामने पड़ी लाश का ब्लड पॉइजनस है। अगर वो चाहे तो इस सिगरेट को मिलाकर एडम को देकर उसे मार सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता और वो सिगरेट की वजह से एडम को मरने का ड्रामा करने को कहता है। मगर जिक्सो को पता चल जाता है और इनका प्लान फेल हो जाता है। वही डॉक्टर को उसी फोन कॉल आता है, उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को किडनैप करके रखा है। इसके पास कुछ ही वक्त था अपने टास्क को पूरा करने के लिए, यानी कि एडम को खत्म करने के लिए। इसके अलावा इसी कॉल पर पता चलता है कि एडम डॉक्टर को पहले से ही जानता है। एडम फोटोग्राफ्स को दिखाते हुए डॉक्टर को बताता है कि इस पर नजर रखने के लिए डिटेक्टिव बैन ने उसे पैसे दिए थे। दूसरों पर नजर रखकर उनकी फोटो लेना इसका प्रोफेशन है। इनमें से एक फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखने के बाद डॉक्टर को इनके हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय इनकी विंडो पर दिखाई देता है। डॉक्टर को अब कंफर्म हो जाता है कि वही जिक्सो है जिसने इनकी बीवी और इनके बेटे को किडनैप किया है, जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है और जो उसी के घर के कैमरे की मदद से इन पर नजर रखे हुए है। और जब तक डॉक्टर को रियलाइज हो, घड़ी में 6 बज चुके थे। रूल के हिसाब से डॉक्टर ने अभी भी एडम को नहीं मारा था, इसलिए अब डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि अब उसकी फैमिली नहीं बचेगी और ये सब उसकी गलती है। फोन पर गन की आवाज सुनकर डॉक्टर पागल हो जाता है। के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए रिवॉल्वर तक पहुंचने के लिए इसे अपने पाँव को आरी से काटने पड़ते हैं और रिवॉल्वर से एडम को शूट कर देता है। वही जब डॉक्टर की फैमिली को आरी से काटने की कोशिश करता है, बट डिटेक्टिव टेप इन्हें बचा लेता है। जब वहां से किसी तरह भाग जाता है, मगर डिटेक्टिव इसका पीछा करते हुए उसी जगह पहुंचता है जहां एडम और डॉक्टर कैद है। डिटेक्टिव टेप जेब को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, पर फाइट में खुद ही मारा जाता है। डॉक्टर ने वक्त से पहले एडम को नहीं मारा था, इसलिए इट्स द रूल कहकर जेब डॉक्टर को शूट करने ही वाला होता है कि एडम गन शूट के जख्म से रिकवर होकर जेब पर अटैक कर देता है और इसे टॉयलेट के टैंक के ढक्कन से मार देता है। दोनों अब जख्मी हालत में है। डॉक्टर डिसाइड करता है मदद के लिए और एडम को छोड़कर घसीटते हुए किसी तरह निकल पड़ता है। एडम जेब की लाश से जंजीर की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है और इसे भी इसकी पॉकेट से एक टेप मिलता है। ये देखकर वो एकदम से हैरान रह जाता है। टेप को सुनने के बाद इसे पता चलता है कि जेब भी जिक्सो की गेम का शिकार था। जिक्सो ने इसके जिस्म में पॉइजन डाला था, जिसकी एंटीडोज को पाने के लिए उसे डॉक्टर की फैमिली को खत्म करने को कहा गया था। जैसे ही टेप एंड हो जाता है, रूम में पड़ी लाश अचानक से उठ जाती है, जिसे देखकर एडम के होश उड़ जाते हैं। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि जिक्सो की थी, जिसका असली नाम जॉन क्रैमर है, जो एक लाश बनकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था। मूवी के फ्लैशबैक में दिखाया है कि जिक्सो और कोई नहीं वही कैंसर पेशेंट है जो डॉक्टर लॉरेंस से ट्रीटमेंट ले रहा था। वो अपनी कमजोर आवाज से एडम को बताता है कि इसकी जंजीर की चाबी हमेशा से बाटअप में थी। तो एडम को रियलाइज होता है कि शुरुआत में नीले रंग की चीज पानी में बह गई थी, वो इसकी आजादी की चाबी थी। एडम जेब की गन से जिक्सो को शूट करने ही वाला होता है कि वो इसको बिजली के झटके से कमजोर कर देता है। इससे पहले कि एडम कुछ कर पाता, जिक्सो उसे वही रूम में मरने के लिए छोड़ देता है। इसी तरह फिल्म खत्म हो जाती है।